वेलकम टू आवर चैनल आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं किडनैपिंग किडनैपिंग दो शब्दों से मिलकर बना है किड और नैप किड का मतलब चाइल्ड और नैप मतलब स्नैच अवे यानी कि एक बच्चे को छीन कर ले जाना किडनैपिंग है किडनैपिंग इज एन ऑफेंस अगेंस्ट लॉफुल गार्जियन किडनैपिंग एक लॉफुल गार्जियन के अगेंस्ट ऑफेंस है क्योंकि यहाँ पे यहाँ एक लॉफुल गार्जियन के राइट को वायलेट किया जा रहा है

जो भी व्यक्ति किसी दूसरे इंसान को एनी पर्सन कन्वेस ले जाता है यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट से बाहर विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन जिस पर्सन को ले जाया जा रहा है उसके कंसेंट के बिना और या फिर ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन या दूसरा इंसान जो इसके पर कंसेंट दे दे कंसेंट देगा, उसके के बिना इसे इंडियन टेरिटरी से बाहर ले जाया जा रहा है सेट किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया तो यहाँ पे इसे किडनेपर कहा जाएगा जिसने इस इंसान को किडनेप किया है तो यहाँ ऑफेंस कंप्लीट तब होगा जब

से बाहर चले जाते हैं तो वहां पर ये ऑफेंस कंप्लीट हो गया सेक्शन 361 कहता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप तो यहाँ लॉफुल गार्जियन से हो रही है इसका मतलब लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से एक माइनर को या किसी पर्सन को बाहर ले जाना हुआ टेक्स और एंटाइसिस यहाँ पे दो वर्ड्स हैं टेक्स और एंटाइसिस जाना और entices, किसी को बहलाना फुसलाना तो अगर वो फोर्स कर रहा है या पहले से ही एक इंसान को इस तरीके से समझाया बुझाया है कि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है ऑरटाइसिस किसी तरीके का या इंड्यूसमेंट इंड्यूस करना लालच देना एनी माइनर अंडर सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एज इफ किसी भी माइनर को जो कि सिक्सटीन से कम का है अगर वो मेल है और अंडर एटीन ईयर फीमेल यानी अगर लड़की है तो अठारह साल और अगर लड़का है तो सोलह साल से कम अगर इस एज से कम है वो या फिर एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड तो यहाँ अनसाउंड माइंड के पर्सन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है क्योंकि वो किसी भी एज में कंसेंट देने के लिए कैपेबल नहीं होगा आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन

परमिशन के बिना उसके गार्जियन के कंसेंट के अगर कोई उन्हें ले जा रहा है टेक्स और इंटाइसिस बहला फुसलाकर या जोर जबरदस्ती से सेट टू किडनैप सच माइनर पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप तो हम ये कह सकते हैं कि उसने उस माइनर को किडनैप किया है या उस पर्सन को यहाँ पर पर्सन यानी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जिसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप तो उसकी किडनैपिंग हुई है फ्रॉम लॉफुल गार्जियन क्योंकि यहाँ एक लॉफुल गार्जियन की प्रोटेक्शन से उसे बाहर ले जाया जा रहा है तो सेक्शन के असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं पहला टेकिंग और एंटाइसिंग फोर्सफुली फ्रॉडुलेंटली बाय ल्यूरिंग और इंड्यूसमेंट हे माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड तो यहाँ पे या तो माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक नॉर्मल इंसान जो कि मेजर है उसकी किडनेपिंग नहीं हो सकती है माइनर मस्ट बी अंडर द एज ऑफ एटीन इफ मेल और अंडर एटीन इफ फीमेल अगर वो लड़का है तो 16 साल से कम उसकी उम्र होनी चाहिए और लड़की है तो 18 साल से और अगर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है टेकिंग और एंटाइसिंग अवे मस्ट बी आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन तो यहाँ पर उसे लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से बाहर ले जाना है ले जाना तो ये सभी के हुन बी किडप तो कौन किडनेप हो सकता है माइनर अगर वो मेल है तो उसकी एज सोलह से कम होनी चाहिए अगर फीमेल है तो उसकी एज अठारह से कम होनी चाहिए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इसके लिए एज इमेटीरियल है यानी कि एक मेल जो कि सत्रह साल का है उसकी किडनैपिंग नहीं हो सकती है उसका अबडक्शन होगा तो इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन माइनर चिल्ड्रन एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड यहाँ उन्हें किसी भी तरीके की सीडक्शन हार्म या एक्सप्लोइटेशन से बचाना ये इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड केपेबल नहीं है किसी भी चीज के लिए अपना कंसेंट देने के लिए तो सेक्शन 361 का एक्सप्लेनेशन कहता है द द द वर्ड्स लॉफुल गार्जियन इन सेक्शन इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर पर्सन तो यहाँ पर लॉफुल गार्जियन टर्म यूज किया गया है ना कि लीगल अगर यहाँ लीगल गार्जियन होता लीगल गार्जियन मतलब एक बच्चे के या एक, एक, एक इंसान के पेरेंट्स या गार्जियंस अपॉइंटेड बाय कोर्ट ये होते इसका मतलब ये होता कि अगर वो बच्चा उसके माँ बाप से लेकर छीन कर लेके जाया जा रहा है तो वो किडनैपिंग है यानी कि माँ बाप घर पर हैं और बच्चा स्कूल गया है और अगर वो स्कूल से किडनैप हो जाता है तो वो लीगल गार्जियन के कस्टडी से बाहर नहीं जा रहा है उस टाइम पे तो वहां पर किडनैपिंग का केस नहीं बनता लेकिन यहाँ लॉफुल गार्जियन यूज किया गया है इसका मतलब है कि ये वर्ड हर उस इंसान को इंक्लूड करा है जिसे लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर और कस्टडी जिसको हमने ट्रस्ट करके बच्चे की केयर और कस्टडी के लिए दिया है यानी इसमें हम एक स्कूल टीचर को ऐड कर सकते हैं जिसके पास हम दिन के छे से सात घंटे बच्चों को भेज देते हैं या डे केयर या एक नैनी या कोई रिलेटिव जिसके पास हमने बच्चे को छोड़ा है या एक बस ड्राइवर जिस बस से वो स्कूल जाता है, तो अगर उस टाइम पर उसकी किडनैपिंग होती है तो वहां पर उसके लॉफुल गार्जियन वो बस ड्राइवर होगा क्योंकि वो उसकी कस्टडी और केयर में है इसलिए सेक्शन इस में लॉफुल गार्जियन का यूज किया गया है तो यहाँ दो एक्सेप्शन भी हैं दिस एक्सेप्ट दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एन इललेजिटिमेट चाइल्ड तो अगर एक इंसान एक बच्चे को देखता है और वो पहचान जाता है कि वो उसका इललेजिटिमेट चाइल्ड है यानी कि ए बी का सन है मतलब वो उसका बेटा है और बी उसे पहचान जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है इन गुड फेथ तो ये यहां पर किडनैपिंग नहीं होगी क्योंकि उसने ये गुड फेथ में किया है और या फिर दूसरा एक्सेप्शन हु इन गुड टू बी टू लॉफुल कस्टडी ऑफ चाइल्ड मान लेते हैं एक इंसान उसका झगड़ा हो गया है अपनी बीवी से वाइफ से और वो एक दिन अपने बेटे को स्कूल से लेकर चला जाता है यहाँ पर ही बिलीव कि वो लॉफुल कस्टडी उसके पास है एंटाइटल और वो अपने बेटे को लेकर के चला जाता है, in good faith. Hmm. इसे नहीं माना जाएगा, अनलॉफुल पर्पस अगर ये एक्ट इमोरल या अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं किया गया है अब मान ले वो अपने बेटे को ले आया दोनों ही केसेस में चाहे वो इनलेजिटीमेट हो या एंटाइटल टू लॉफुल कस्टडी और वो अपने बेटे को बेच देते हैं तो ये एक immoral purpose हुआ और इस केस में ये kidnapping ही माना जाएगा section 363 बताता है पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग एवर किडनैप्स एनी फ्रॉम इंडिया जो व्यक्ति किसी को किडनैप कर रहा है इंडिया से यानी सेक्शन थ्री 60, or, या फिर फ्रॉम लॉफुल गार्डियन थ्री सिक्सटी वन शेल बी पनिस्ट विद एम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू सेवन ईयर्स तो उसको एम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है अपट सेवन ईयर एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन और उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा तो यहाँ पे पनिशमेंट क्या है सेवन ईयर्स एंड फाइन वॉचिंग अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें